महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण इस समय आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। यहां के बीड में मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर तोड़फोड़ की है और आग लगा दी है। मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के हमले के बाद विधायक प्रकाश सोलंके ने प्रतिक्रिया दी है। विधायक प्रकाश सोलंके ने कहा, जब हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर था, सौभाग्य से मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी आंदोलनकारियों के हमले में घायल नहीं हुआ है। विधायक प्रकाश सोलंके ने क्या कहा ये भी आपको बता दूं। विधायक प्रकाश सोलंके ने कहा कि आग लगाए जाने के कारण संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। वहीं मराठा आरक्षण समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के बीड आवास पर हमले पर सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मनोज रांगे पाटिल मराठा मोर्चा के जो संयोजक हैं को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि यह विरोध क्या मोड़ ले रहा है, यह गलत दिशा में जा रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारी मनोज रांगे को सरकार को समय देना चाहिए, सरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, मगर ये आंदोलन किस ओर जा रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। लगातार जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ।